हेलो मेकअप लवर्स, आई एम सोनाली। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो रिव्यू करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हाईली डिमांडेड है purple.com पे, और इनका बेस्ट सेलर है, #1 बेस्ट सेलर, यानी #1 पे है। वो है ये रोज़ हिप ऑयल फ्रॉम गुड वाइब्स। ये जो रोज़ हिप ऑयल है, ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आपको रिसीव होगा, लाइक अ रेगुलर सीरम जैसे हमें अचीव होता है। इसका नेम है रोज़ हिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम, और इसमें आपको मिलता है 10 ml, और इसकी प्राइस है ₹215। तो जैसे कि आपको नाम से समझ में आ गया कि ये है रोज़ हिप ऑयल, और इसमें आपको रेडियंट ग्लो मिलेगा आपके फेस पे, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो है सीरम लाइक कंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले, बहुत ही ज़्यादा लोगों का आपने रिव्यूज़ ऑलरेडी देख लिया होगा, मैं भी इसमें शामिल हो गई हूँ, मैंने भी इसका रिव्यू किया है, बट मैं ये जो रिव्यू लेकर आई हूँ ये मेरे जैसे स्किन टाइप के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे जानना, ये एक्ने प्रोन ऑयली स्किन के लिए वर्क करता है कि नहीं, चलिए जानते। सबसे पहले मैं इसके फीचर्स की बात करती हूँ। ये है गुड वाइब्स का रोज़ हिप ऑयल, जो कि इन्फ्यूज्ड है विद द गुडनेस ऑफ रोज़ हिप। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, सो इट बिकम्स नॉन ग्रिसी। ये आपके स्किन पे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्लो ऐड करता है, जो कि बहुत नेचुरल सा लगता है, और आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बूस्ट करता है। साथ के साथ ये स्किन के रफनेस को ट्रीट करने के लिए बहुत ही बढ़िया माना गया है। तो ये है इनके कुछ फीचर्स जो क्लेम करता है ये ब्रांड। अभी मैं बात करना चाहती हूँ इनके पैकेजिंग की। ये जो पैकेजिंग है ये बिल्कुल नॉर्मल सा है, 10 ml का इतना छोटा सा आपको मिलेगा। इससे बड़ा वर्जन आप लेंगे 30 ml का तो थोड़ा बड़ा मिलेगा। इसमें आपको ड्रॉपर वाला एप्लीकेटर मिलता है, जो कि ग्लास का है, बिकॉज बॉटल भी ग्लास है। तो जैसे ही आप इसे ट्विस्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आपको यहाँ पर एप्लीकेटर मिल जाएगा। ओके, टेक्सचर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रनी नहीं है और बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं है। मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि ये थोड़ा थिक है, जैसे सेसमी ऑयल होता है ना, थोड़ा सा थिक सा वैसा है ये बिल्कुल। इसीलिए ये आपके रफनेस को बहुत ही अच्छे से डील करता है। इसकी जो टेक्सचर है, अगर मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करूँ तो मैं आपको ऐसा बोल सकती हूँ कि जैसे हमारा मेकअप प्राइमर होता है ना, सिलिकन बेस वाला, उसमें अगर आप ऑयल मिक्स कर दोगे और फिर उसे आप रब करोगे तो बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी जो इस रोज़ हिप ऑयल में आपको मिल रही है। बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूला है, एक्सेस मॉइस्चराइजिंग आपको है, एकदम ग्लिसरीन काइंड ऑफ टेक्सचर है ये, बहुत ही ज़्यादा सेमी लिक्विड सा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये ड्राई स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन क्या ये ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अच्छा है? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। गलती से भी आप इस ऑयल को अपने फेस पे अप्लाई मत कीजिएगा, अगर आपकी मेरी जैसे स्किन है, ऑयली, एक्ने प्रोन एंड कॉम्बिनेशन। मेरी स्किन काफ़ी हद तक क्लियर हो गई थी, दिवाली के टाइम मैंने इस सीरम को परचेस किया था और मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखे थे, बट किसी ने भी मेंशन नहीं किया था कि मैंने जो वीडियोस देखे थे उसमें ऐसा कुछ स्किन टाइप मेंशन नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अच्छा होगा मेरी स्किन के लिए भी, और मैं ले लूँ तो मेरी स्किन पर ग्लो आ जाएगा ऐसा वैसा। दिवाली के टाइम पर मैंने इस ऑयल को परचेस किया था, और जब मैंने इसे परचेस किया था तो मेरी जो स्किन थी वो बहुत हद तक क्लियर हो गई थी, एक्ने भी बंद हो गए थे। बट जैसे ही मैंने इसे अपने स्किन पे अप्लाई किया, मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे इसे अप्लाई करते हुए दिखाया था, उसके बाद मुझे बहुत सारे पिंपल्स आ गए थे फेस पे, और तब से मेरे पिंपल स्टार्ट हैं, अभी तक मेरा पिंपल जो है वो रुक नहीं रहा है। तो अब मैं इससे भी कारण दे सकती हूँ या किस भी कारण दे सकती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा किस वजह से। बट इसका जो टेक्सचर है, जैसे कि मेरा हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो अभी मेरे स्किन, मेरे जो हाथ की जो स्किन है उस पर ये बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है, बहुत हेल्दी हेल्दी सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हाँ मेरी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज्ड हो गई है। बट अगर मैं यहाँ देखूँ तो बहुत ड्राई फील हो रही है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये ऑयल आपके लिए लाइक अ बून है, बट अगर आपकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है और आप इसे इतने थिक ऑयल से, यानी ग्लिसरीन टाइप के ऑयल से अगर आप इसे अप्लाई कर लोगे स्किन पे, तो आपकी स्किन बिल्कुल बर्बाद हो जानी है, बिकॉज आपके जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे एंड आपको ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स होंगे और आपको भर भर के पिंपल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि ये ऑयल जिनकी ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन है वही यूज़ करें, अदरवाइज जिनकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है वो इससे बिल्कुल दूर रहे। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगा, और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं सोनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।